पीएम किसान योजना में किसानों को ई केवाईसी कराना जरूरी हो गया है। और अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, यानी कि आप कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप पीएम किसान योजना में काफी आसानी से किसानों की ई केवाईसी कर सकते हैं। तो गाइस, वेलकम बैक टू वन सॉल्यूशन, मैं हूं प्रिंस। और आज की वीडियो में हम सीएससी पोर्टल से किसानों की ई केवाईसी करने का कम्प्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पीएम किसान योजना में ई केवाईसी करने के लिए आपको अपने सीएससी पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। पीएम किसान योजना में ई केवाईसी करने के लिए आपके पास एक बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए। मेरे पास मंत्रा डिवाइस है। कुछ लोगों को मंत्रा डिवाइस यूज करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपकी मंत्रा डिवाइस ठीक से वर्क नहीं कर रही है, तो आप उसका ड्राइवर अनइंस्टॉल कर लें और उसको फिर से इंस्टॉल कर लें। ड्राइवर अनइंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ विंडो पर जाएं। आपको यहाँ पर भी उसका ड्राइवर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ सेटिंग पर जा सकते हैं। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एप्स, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने सभी एप्स आ जाएंगे जो भी आपने इंस्टॉल की हुई है। आपको यहाँ मंत्रा डिवाइस का ड्राइवर मिल जाएगा, आप उसको यहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ड्राइवर को अनइंस्टॉल करने के बाद आपको इसको फिर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। मंत्रा डिवाइस को हम अपने पीसी लैपटॉप में कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम इसका ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए, तो आपको अपने सीएससी पोर्टल में आ जाना है। आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीएम किसान, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा, आप यहाँ व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा एरर आता है, तो आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। आप यहाँ गो टू pmkisan.gov.in पर क्लिक करेंगे। आप पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ई केवाईसी कराना मैंडेटरी हो गया है सभी किसानों के लिए। जो भी पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, सभी फार्मर्स को अपने आसपास के सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैन कराकर अपनी ई केवाईसी करानी होगी। जो आधार बेस ई केवाईसी थी, जो कि ओटीपी के थ्रू की जाती थी, उसको अभी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अभी सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैन कराकर ही ई केवाईसी कराई जा सकती है। यहाँ पर एक डेडलाइन भी दी गई है, जो पहले 22 मई थी, उसको एक्सटेंड करके 31 मई 2022 कर दिया है। यानी कि सभी किसानों को 31 मई 2022 तक अपनी ई केवाईसी करा लेनी होगी। सीएससी वीएलई को यहाँ पर ई केवाईसी करने के लिए अपनी सीएससी आईडी से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सीएससी लॉगिन, आप इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ई केवाईसी करने के लिए। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर किसान का आधार कार्ड नंबर टाइप करना है, ये वाला कैप्चा यहाँ पर टाइप करना है और सर्च पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर टाइप करना है। किसान के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप कर दें और गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करें। किसान के मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो आप यहां पर टाइप करें और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी एंटर करने के बाद आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहां पर मोर्फो डिवाइस का भी ऑप्शन देख सकते हैं, एरटेक डिवाइस का भी ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएगा, और नीचे आपको यहां मंत्रा डिवाइस का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे पास मंत्रा डिवाइस है और हम मंत्रा डिवाइस से ई केवाईसी करने वाले हैं, तो मैं कैप्चर फॉर ई केवाईसी मंत्रा पर क्लिक करूंगा। आपके सामने पॉपअप आ जाएगा फिंगर स्कैन करने के लिए। आप किसान की फिंगर को स्कैन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा सक्सेस, इसको ओके करेंगे। अगर आपकी डिवाइस अभी भी वर्क नहीं करती है, तो आप मोर्फो आरडी सर्विस को इंस्टॉल कर लें। उसको इंस्टॉल करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप फिर से जब कैप्चर फॉर ई केवाईसी मंत्रा पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी डिवाइस वर्क करने लगेगी। तो गाइस, इस तरह से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी कर सकते हैं। आपके पास मोर्फो डिवाइस हो या फिर मंत्रा, आपको कुछ सेटिंग्स करनी है और कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद आपकी डिवाइस वर्क करने लगेगी। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।